वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र त्रिवेदी। सर, हार्ट डिजीज जैसे बढ़ती जाती है तो उसकी वार्निंग साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट डिजीज में मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा, हम एंजाइना या हार्ट अटैक से ही अधिक प्रभावित होते हैं या डरते हैं, तो इन मरीजों को अक्सर सीने में दर्द की शिकायत होती है या कुछ मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होना, जॉ पेन होना, रिस्ट में पेन होना, ये सब भी हो सकता है। और कई लोगों को सिर्फ सांस की तकलीफ रहती है, चलने फिरने में सांस भरती है, या आपने अक्सर सुना होगा कि एसिडिटी जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, वो भी हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के एक सूचक होते हैं। सर, हमारे लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंज लाना चाहिए जिससे हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर सकें? हमें हार्ट अटैक से यदि बचना है तो जैसा आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा है कि लाइफस्टाइल चेंज करना आवश्यक है। हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा कम हो और वसा यानी फैट की मात्रा कम हो, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स की मात्रा अधिक से अधिक रखें। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट हम मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। यदि हमें स्मोकिंग की आदत है तो उसे छोड़ना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से अल्कोहल यदि लेते हैं तो नहीं लेना चाहिए या बहुत ही सीमित मात्रा में शौक के लिए लेना चाहिए। और हमारे को यदि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उनके कंट्रोल की तरफ हमारा ध्यान रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो है, दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो भी आपने सब नाम गिना है उन चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो उनकी मात्रा बहुत कम क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो वेजिटेबल ऑयल्स में होते हैं उनकी मात्रा थोड़ी हमारे डाइट में ज्यादा हो सकती है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है? मुख्य रूप से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हम जो समझते हैं वो हार्ट अटैक या एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे बोला जाता है उससे ही समझते हैं। आपने सुना होगा हमारे देश में युवा लोगों में हार्ट अटैक आने की समस्या काफी ज्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्मोकिंग करना या तंबाकू का उपयोग किसी भी रूप में करना, जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं, तंबाकू का पान खाते हैं, तो टोबैको का यूज बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल। और जब हृदय की धमनी में खून का थक्का आ जाता है तो हृदय की मांसपेशी को ब्लड मिलना बंद हो जाता है और उससे हार्ट अटैक आता है। सर, हार्ट डिजीज से रिलेटेड कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और उसके लिए कौन से टेस्ट सजेस्ट करेंगे? जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ये नियमित रूप से करना चाहिए और अपने फैमिली फिजिशियन या फिजिशियन से नियमित रूप से संपर्क में रहना चाहिए 40-45 वर्ष की उम्र के बाद। किसी भी तरह का यदि सिम्टम हो, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है, सांस की तकलीफ है, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स हैं, तो उन्हें इग्नोर नहीं करके फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और सर, आखिरी सवाल, आप वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे सारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वर्ल्ड हार्ट डे पे जो वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन का मैसेज है कि हमें अपने हार्ट का हीरो होना चाहिए। हम अपने दिल की केयर करें, अपने मित्रों के दिल की केयर करें, सारी सोसाइटी की दिल की केयर करें। हम छोटे छोटे चीज़ों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हार्ट डिजीज के प्रिवेंशन में, जैसे बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालें, हेल्दी फूड एक्सरसाइज की आदत डालें, और हमारे वर्क प्लेस पे एक दूसरे को इनक्रेज करें कि फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को ज़्यादा इंडल्ज करें। स्मोकिंग यदि कोई करता है तो उसे इनक्रेज करें कि भाई आप स्मोकिंग छोड़िए। तो ये छोटी छोटी कई बातें हैं जो हमें हार्ट हीरो बना सकती हैं और यही इस वर्ल्ड हार्ट डे का उद्देश्य है।